मोहम्मद सुमेर साहब बम्बई भारत। अस्सलाम वालेकुम, आपके ममनून है कि आपने हमारी वेबसाइट पर याद किया। आपने ये पूछा कि रोजे और गैर रोजे की हालत में फर्ज गुस्ल में क्या फर्क। देखिए, बजाहिर तो इसमें कोई फर्क नहीं बल्कि एहतियात। वो एहतियात ये है कि गैर रोजे में आदमी अगर नाक में पानी चढ़ाए और अगर दिमाग तक पहुंच जाए तो कोई हर्ज नहीं। इसी तरह कुल्ली या गरारा करे और अगर पानी हलक में पहुंच जाए तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन रोजे की हालत में नाक में पानी एहतियात से चढ़ाया जाए और इसमें खाली अच्छी तरीके से कुल्ली की जाए और गरगरा ना किया जाए, इसलिए कि नाक में अगर उसने बहुत अच्छी तरीके से पानी चढ़ाना शुरू किया और पानी अगर दिमाग में पहुंच गया तो रोजा टूट जाएगा। इसी तरीके से कुल्ली करने में, गरगरा करने में अगर पानी हलक से नीचे उतर जाए तो भी रोजा टूट जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि रोजे की हालत में एहतियात करें और गैर रोजे की हालत में बे एहतियात में भी गुसल कर लें। अगर पानी हलक से नीचे या नाक में दिमाग के जरिए पहुंच जाए तो गोया उसमें चूंकि रोजे का मसला नहीं होता इसलिए उसमें कोई हर्ज नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रोजा हो या गैर रोजा, तीन गुसल के फर्ज हैं। एक तो ये कि नाक में पानी चढ़ाना और कुल्ली करना अच्छी तरीके से और पूरे बदन पर ऐसे पानी बहाना कि बदन का कोई बाल बराबर या तिल बराबर भी कोई हिस्सा सूखा या खुश्क ना रहे, ये गुसल हो गया। सिर्फ रोजे में एहतियात बरतनी चाहिए।